थोड़ा सा पेपर सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट को देख लें, प्रैक्टिस करें लिखने की, क्योंकि आमतौर पे एग्ज़ाम में क्या होता है बच्चे याद करके जाते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। आज जो ये वर्कशॉप रखा गया था, इस तरह के बहुत सारे वर्कशॉप हर NGO ने करना चाहिए, बच्चों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। तो हम चाह रहे थे कि 10th और 12th के बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें और उनका जहन बनाएं कि अभी लास्ट पीरियड में ही कम से कम थोड़ी तवज्जो ज़्यादा दे दें, कि इस तरह के हम बच्चों के प्रोग्राम और रखेंगे और जिस तरह भी हमारे बच्चे आगे तालीमी मैदान में बढ़ सकें उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सब कहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, मगर होना चाहिए, क्योंकि हम जो सारे साल पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई से हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। हमें जैसे कि आपके वालिद मोहतरम मलिक लियाकत हुसैन साहब स्कूल के MLA थे, बेबाक MLA और बहुत ही बोल्ड MLA, हमें ये जानकारी मिली कि आप या कुछ संस्थाएं जो है उनके एजाज़ में उनके अकीदत में कुछ प्रोग्राम करने जा रही है, उसको कुछ बताएंगे आप? सुल्तानपुर विकास संघ मुंबई के ज़ेर एहतमाम अल हीरा फाउंडेशन मुंबई के ताउन से SSC तलबा और तालबात के लिए यक रोज़ा तालीमी वर्कशॉप का इनेकाद अंडम इस्लाम हाई स्कूल कुरला में, बानवान बोर्ड इम्तहानात की तैयारी कैसे करें, इस मौके पर आमना सामना मीडिया ने बात की माहिर तालीम डॉक्टर ज़ैबुन्निसा मलिक, प्रिंसिपल साबू सिद्दीक पॉलीटेक्निक कॉलेज मुंबई, तालीमी काउंसलर आमिर अंसारी, प्रिंसिपल मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी, सुल्तानपुर विकास संघ सदर मुफ्ती इनामुल्ला खान, संघ के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आलम नदवी और तालिबात से इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। मौलाना नसीम नायब सदर सुल्तानपुर विकास संघ मुंबई, मौलाना मोहम्मद अकील सेक्रेटरी सुल्तानपुर विकास संघ मुंबई, आरिफ सर प्रिंसिपल अहमद सदर हाई स्कूल नागपाड़ा रुकन सुल्तानपुर विकास संघ। आइए देखिए आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट और इन मेहमानों से खुसूसी बातचीत। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सुल्तानपुर विकास संघ मुंबई की जानिब से आज बोर्ड इम्तहानात की तैयारी कैसे करें इसको लेकर यहाँ पर एक खसूसी वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें शरीक हुए माहिर तालीम मदनी हाई स्कूल के प्रिंसिपल आमिर अंसारी साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। आमिर अंसारी साहब, आज के जो ये वर्कशॉप रहा है तो ये कितना फाल साबित होगा मिल्लत के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और इस तरह के प्रोग्राम क्यों होते रहने चाहिए? ये सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, सुल्तानपुर विकास संघ मुंबई के। इस प्रोग्राम की ख़ास बात सर ये है कि ऑर्गेनाइजर्स उलमा इकराम सारे के सारे आलिम दीन हैं, मदारिस में पढ़े हुए पढ़ाने वाले लोग, और ये लोग दुनियावी उलूम में जो बच्चे अभी 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी फ़िक्र कर रहे हैं। ये एक अच्छा मैसेज है कि वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे असरी तालीम में आगे बढ़े, और चूँकि ये लास्ट मोमेंट है, एक आध महीना अभी बाकी है, तो दिलों में बच्चों के खौफ होता है, एग्ज़ाम को लेके कुछ गलत फहमियाँ होती हैं और भी बहुत सारे जो है वो तनाव होता है। तो ये प्रोग्राम माशाल्लाह एक अच्छा मैसेज दिया कि बच्चे जो है वो अपनी खाने पीने का भी फिक्र करें, अपनी नमाजों और इबादत का भी फिक्र करें और पढ़ाई की भी फिक्र करें, तो इंशाल्लाह वो सारे मसाइल उनके दूर हो सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी तकरीर में ख़ास तौर से बोर्ड इम्तहानात की तैयारी कैसे करें उस पर तफसीली आपने खिताब किया, मैं चाहूँगा कि मुख्तसर सा थोड़ा सा बोर्ड के जो इम्तहान देने वाले हैं अभी SSC का, उनको आप थोड़ा सा कुछ रायमल कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं बच्चों से यही कहूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए अपने आप को साबित करने के लिए। जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, चाहे 10वीं हो या 12वीं हो या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, ये एक तरह से एक आपको स्टेज दे रहे हैं कि आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाइए, आप वहाँ पे परफॉर्म कीजिए। जैसी भी तैयारी है, हालात का रोना छोड़कर, अभी एक महीना अभी भी बाकी है हमारे पास, 20 दिन 12वीं वालों के लिए बाकी है, थोड़ा सा पेपर सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट को देख लें, प्रैक्टिस करें लिखने की, क्योंकि आमतौर पे एग्ज़ाम में क्या होता है बच्चे याद करके जाते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपके जो व्यूवर्स हैं, मैं कहना चाहूँगा उन बच्चों से कि आप 11 से 1, 11 से 2 जो असल इम्तिहान का टाइम होता है ना, अभी चूँकि छुट्टियाँ चल रही है, बच्चे तैयारी करें और इन टाइम में आप लिखने की कोशिश करें, ताकि मैक्सिमम रिकॉल टाइम आपका 11 से 2 के बीच में हो, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और टू द पॉइंट जाए, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना जाए, जिससे पढ़ाई कर रहे हैं जो मटेरियल से, जो स्टडी बुक से, आप उनसे तैयारी करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से आप कामयाब होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहब, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सुल्तानपुर विकास संघ की जानिब से जो यहाँ पर वर्कशॉप मुनक्किद किया गया था कि बोर्ड के इम्तहान कैसे दें, इस मौके पर यहाँ पर साबू सिद्दीक के प्रिंसिपल ज़ैबुन्निसा मलिक साहबा भी मौजूद हैं। मैं ज़ैबुन्निसा मलिक नहीं, ज़ैबुन्निसा मलिक लियाकत हुसैन कहूँगा मैं, उनकी साहबजादी है। ये बताइए ज़ैबुन्निसा साहबा कि आज का जो वर्कशॉप रखा गया था ये कितना अहमियत का हामिल है? आज जो ये वर्कशॉप रखा गया था, इस तरह के बहुत सारे वर्कशॉप हर एनजीओ ने करना चाहिए। बच्चों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो हर मरहले पे एक गाइडेंस चाहता है। तो बच्चों की गाइडेंस करना बहुत ज़रूरी है और हम हमेशा इसके लिए तैयार हैं। जब भी आप बुलाएँ या जो भी एनजीओ बुलाती है, हम उनको हमेशा आके ये बच्चों के रहनुमाई के लिए जैसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं तो हम उसमें करने के लिए तैयार हैं। और रहनुमाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज का दौर अलग है। पहले ये नहीं होता था कि इस तरीके के प्रोग्राम हुआ करते थे, अब ये प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट होता है। तो उनको ये प्रोग्राम के ज़रिए, ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को हम लोग मैसेज देना ज़रूरी समझते हैं कि भाई किस तरह करना, और टाइम बहुत फास्ट है। आज के टाइम में ऐसा है कि आज बच्चों को आज से ही पता होना रहता है कि भाई हमको आगे क्या करना है, आगे हमको क्या बनना है। नहीं तो हम लोग 10वीं तक थे, उस वक्त समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, 10वीं के वक्त सोचते थे। आज बच्चे को हम 5वीं से 6ठी से माँ बाप ये बताने लग जाते हैं कि भाई आपको आगे क्या करना है, क्या करना है, उनका जहन बनाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था और आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। ये प्रोग्राम जो आपने किया, ये मैं गुजारिश करूंगी हर एनजीओ से कि बच्चों के इम्तिहान के पहले ये ऐसे प्रोग्राम करें और इम्तिहान के बाद भी करें, ताकि उनको करियर गाइडेंस का लाइन दिखाई जाए। क्योंकि आज अभी जिस तरह मैंने बताया कि आज के दौर में बहुत सारी लाइन है और उस लाइन में कैसे जाना है, क्या इम्तिहान देना है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे हमको कैसे देना है वो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि भाई बोर्ड के इम्तहान बहुत अनकरीब है, तो बच्चे कहीं कहीं खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो खौफ के माहौल से कैसे निकले? देखिए, बच्चों को ये जो एग्ज़ाम फोबिया होता है, बहुत बच्चों को होता है, तो उनको हमको लाइट करना है, बच्चों को ये फोबिया से बाहर निकालना है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। एक चीज़ तो साइंटिफिकली ये भी प्रूव है कि कुछ बच्चे स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो हमको उस तरीके से बच्चों के हिसाब से देखना होगा कि कौन से बच्चों पर स्ट्रेस के बाद वो अच्छा परफॉर्म करता है, और कुछ बच्चे ऐसे जिनको स्ट्रेस नहीं चलता है, जो बिना स्ट्रेस अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके के वर्कशॉप करके हमको समझ में आता है। जैसे आइडियल एजुकेशन भी बहुत सारे वर्कशॉप कर रहा है, तो ये आज बहुत सारी तंजीमें चल रही हैं जो अपने वर्कशॉप कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। और माशाल्लाह से बच्चे आज जिस तरह ये प्रोग्राम के अंदर बच्चों ने बताया कि हमको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है, हम कैसे बताएं, तो ऐसे प्रोग्राम में हम एक्सपर्ट्स बुला के बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम फोबिया से कैसे बाहर आएँ। एक सवाल बहुत अहम मैं करना चाहूँगा यहाँ पर कि इम्तहानात के बाद में जब रिज़ल्ट आते हैं, बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके मार्क्स कम आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं, वो इस कहीं ना कहीं वो फिर एहसास कमजोरी का शिकार हो जाते हैं और कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए आप कहना चाहेंगे कि ये इम्तिहान जो आपका आखिरी इम्तिहान नहीं है, आगे और भी मरहले बहुत सारे हैं, नाकामयाबी इस एक इम्तिहान से नहीं लिखी हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बच्चों को यही मैसेज देती हूँ कि ये तो अभी पहला इम्तिहान है 10वीं का, इसमें भले कम परसेंटेज आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम परसेंटेज आने का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगे अच्छी फील्ड में नहीं जा सकते, फिर मेहनत करेंगे, 12वीं भी हमारे हाथ में है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से रास्ते हैं। तो यही करियर गाइडेंस के प्रोग्राम इसीलिए किए जाते हैं कि हर बच्चे की सलाहियत देखी जाए, उसके अंदर उसके क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो परखी जाए और उसके बाद उसको गाइडलाइन किया जाए। जैसे बच्चे कम परसेंटेज लाने के बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो बोलते हैं, पहले ही वो गिवअप करते हैं कि नहीं, हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को हम गाइड करते हैं कि नहीं, आप भी आगे जा सकते हो, आपके लिए भी ये पूरा है। तो हम उनको इसीलिए बताते हैं। जैसे अभी आप देखो कि आज नुक्कड़ों पर बच्चे है, नवी फेल है, उसके बाद बच्चा जाने ही नहीं तैयार है, तो हम उसको बताते कि नहीं, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस है, भाई आ जा, वो कोर्स सीख ले और अपने पैरों पे खड़े हो जाए। जबकि वो बच्चों का दिल भी बहुत होता है, कहीं ना कहीं जब मैंने बात किया एक दो बच्चों से तो बोलते हैं, हमारा दिल तो बहुत चाहता है लेकिन हमको लिखना ही नहीं आता है, हम लोग नहीं कर पाते। तो ठीक है, ये भी चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना है। सब बच्चे 90 वाले नहीं होंगे, कुछ बच्चे लो स्कोर के भी होंगे, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ हमको एक्सप्लोर करके उनको देना है।
सही कहा आपने, क्योंकि हमने ये मिसालें हमारे सामने है बहुत सारी कि जो एसएससी में फेल हो गए लेकिन उसने उन्हें आईपीएस किया, आईएएस बने, वो लोग ऑफिसर बने। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मैं ज़ेबुन्निसा साहिबा आपसे एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपके वालिद मोहतरम मलिक लियाकत हुसैन साहब इस्कूला के एमएलए थे, बेबाक एमएलए और बहुत ही बोल्ड एमएलए, हमने आज तक एमएलए ऐसा देखा नहीं, जो आपने सुना बचपन में भी सुना और आज तक सुनते आ रहे हैं, और हमें ये जानकारी मिली कि आप या कुछ संस्थाएं जो है उनके एजाज में उनके अकीदत में कुछ प्रोग्राम करने जा रही है, उस पर कुछ बताएंगे आप? जी हम लोग, मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ मलिक लियाकत हुसैन के नाम से, और जैसा कि आपने कहा कि हमारे वाली साहब एक एमएलए थे और वो कामगार लोगों के लिए काम करते थे, और उनके दिल में था कि हमेशा जो फेरी वाले हैं उन लोगों के लिए, जो तबके ऐसे हैं जिनको कहीं सुनवाई नहीं है, उनके लिए वो बहुत काम करते थे। वही मिशन लेके मैं भी निकली हूँ कि भाई मैं भी उनके ये मिशन को आगे बढ़ाऊँ, कि उनका ये मिशन था। तो उनके 1 मई को उनका इंतकाल हुआ था, और 1 मई कामगार दिवस भी मनाया जाता है, 1 मई महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है, और 1 मई के दिन उनका इंतकाल भी हुआ था। तो इस 1 मई पे उनको 25 साल पूरे हो जाएंगे, और हम उनका इस 25 साल पे उनके एक बुक रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उस बुक के साथ एक हम पोर्टल बना रहे हैं जो जॉब पोर्टल होगा, जिसमें जो लो स्कोर के बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं मिलता उनके लिए हम फ्री जॉब पोर्टल का इनेकाद करने वाले हैं। तो उस दिन 1 मई को हम ये प्रोग्राम करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आमना सामना हमारे साथ उस दिन हमारे साथ खड़ा रहे और हमारे उस प्रोग्राम में हमको हमारे साथ रहे। आमना सामना मीडिया बिल्कुल आपका सपोर्ट करेगा। मैं आखिरी बात और जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मलिक लियाकत हुसैन साहब की शख्सियत जो है इस कुर्ला में कोई छोटी शख्सियत नहीं थी, और आज भी आप लोग कुर्ला में ही रहते हैं, तो क्या आप उन लोगों को भी ये आह्वान करना चाहेंगी या उनको दावत देंगी इस चैनल के ज़रिए कि जिन्होंने लियाकत हुसैन साहब के साथ में काम किया है, जो आज भी मौजूद हैं, उन्हें क्या दावत देंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि अब्बा के साथ जो छोटा बड़ा जो छोटे मोटे काम भी किए वो सब इस फंक्शन में आए, और ये कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं होगा, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हर पार्टी के लोगों को हमने दावत दी है, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिनका उनसे एक लगाव था, और हम चाह रहे हैं कि हम उनके बाइट भी लें। तो मैं, क्योंकि हमारे जो भाई हैं उनको मैंने यही बोला है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, भाई जानते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उन्होंने ये हमने शुरू किया है कि हर एक से बाइट लेंगे कुर्ला के सारे लोगों से, और वो सारे लोग जिनको शायद मैं नहीं पहुंच पाऊँ तो मैं आमना सामना मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंचना चाहती हूं कि जो भी लोग ये सुनेंगे कि भाई हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो अपनी तरफ से जो भी बोलना चाहते हैं वो हमको भेजें। इसमें जैसे आपने भाई की बात की, मलिक रफ़ी अहमद साहब जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से, हमने बहुत साथ काम किया है सियासी सतह पर, सामाजिक सतह पर, यकीनन मलिक रफ़ी अहमद साहब इस पूरे प्रोग्राम में बहुत फाल साबित हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सोनम मीडिया से बात करके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तानपुर विकास संघ के प्रेसिडेंट मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब, जिस तरह का आज ये वर्कशॉप रखा गया है बोर्ड के इम्तहान कैसे थे बच्चों को लेकर, तो क्या जहन में आपके खाका था, किस तरह से था, क्या मकसद था इस प्रोग्राम का? हम ये चाह रहे थे कि अभी बोर्ड बिल्कुल बोर्ड का एग्ज़ाम करीब है, 12th का तो अभी जल्द शुरू होने वाला है और 10th के लिए 1 महीने का टाइम है, तो हम चाह रहे थे कि 10th और 12th के बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें और उनका जहन बनाएं कि अभी लास्ट पीरियड में ही कम से कम थोड़ी तवज्जो ज़्यादा दे दें, ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स उनका आए, उनके लिए कॉलेजेस में एडमिशन बाद में उसमें आसानी रहे। इस मकसद से हमने फौरी तौर पर यह प्रोग्राम किया। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गया आप लोग? हाँ, लेट तो हो गया, और अगली बार की तैयारी, अगली बार इंशाल्लाह बहुत पहले करेंगे प्रोग्राम और मुस्तकिल करते रहेंगे, और हर इलाके में जा करके इलाकाई बच्चों को जमा करके उनके दरमियान प्रोग्राम करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे कि एग्ज़ाम किस तरह देना है और उसके फवायद क्या हैं, आगे चल करके कैरियर क्या आपको चॉइस करना है, ये सब बताएंगे, और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर एक राउंड हमारा चलेगा 12th के बच्चों के लिए कि आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस लाइन में आपको जाना है, उनको गाइड भी करना है, और बाकायदा हम एक कॉल सेंटर बनाएंगे और जिसमें तमाम बच्चे वहाँ रابطہ कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट वहाँ बैठेंगे, माहरीन तालीम वहाँ बैठेंगे जो उनको गाइड करेंगे कि कौन से कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है और कौन सा सब्जेक्ट जो है चूज़ करना है। इस ताल्लुक़ से हम बाकायदा एक सेंटर भी बनाएंगे।
ये काम जो है पूरे मुंबई शहर में सुल्तानपुर विकास संघ की जो आपकी यूनिट है, आपने उनको उन लोगों को कुछ आमादा किया, यूनिट को कुछ आपने गाइडलाइन दी है कि आपको क्या करना है? जी जी, हर इलाके में तकरीबन हमारी सुल्तानपुर विकास संघ की यूनिट्स बनी हुई हैं। मुमरा में है, घाटकोपर में है, कुरला में है, साकीनाका में है, भाई खल्ला में है, मलाड में है, और क्या बोलते हैं विक्रोली में है, और इस तरह से हमने हर जगह यूनिट्स बना के रखी हैं और वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। आज भी जो बच्चे आए ज़्यादातर उनके यूनिट्स के बच्चे हैं जो वहाँ से भेजे गए थे। यूनिट में इस तरह काम होगा, इस तरह का हर यूनिट्स में काम होगा और हर जगह के बच्चों को हम इलाकाई तौर पर जमा करके वहाँ जाके गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया आमना साहब मीडिया से बात करने के लिए। सुल्तानपुर विकास संघ मुंबई के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आलम नदवी साहब हमारे साथ मौजूद है। आलम नदवी साहब, आज के प्रोग्राम को लेकर आप क्या? भाई आज का प्रोग्राम जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था उस तवक्को से कहीं ज़्यादा कामयाब प्रोग्राम हुआ है, और उसके कामयाबी में सिर्फ सुल्तानपुर विकास संघ नहीं बल्कि आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपके सपोर्ट से और जो इलाकाई लोग हैं उनके सपोर्ट से ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ। बाद में तो मुझे ये एहसास होने लगा कि हम बच्चे आते जा रहे हैं, हम बिठाएंगे कहाँ उनको। बड़ा हॉल है ये, उसके बावजूद भी कमी महसूस, ये बड़ा हॉल जो है वो भी कमी का शिकार हो गया, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं हो सकती। तो आइंदा हमने सोचा है, बल्कि हमारा हौसला बढ़ा है इससे कि इस तरह के हम बच्चों के प्रोग्राम और रखेंगे और जिस तरह भी हमारे बच्चे आगे तालीमी मैदान में बढ़ सकें उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सुल्तानपुर विकास संघ की यूनिट ने काम किया है, इसमें ज़रूरी है कि सुल्तानपुर के ही लोग होने चाहिए या मिल्लत का कोई भी बच्चा या फर्द जो है शामिल हो सकता है? नहीं, हमारे तालीमी उसमें हम सोचते तो ये हैं कि सुल्तानपुर के लोग ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि ज़रा और इलाकों के मुकाबले में मैं इसको थोड़ा मतलब पिछड़ा हुआ इस माना में नहीं कह सकते, शोहरत के अतबार से पिछड़ा हुआ है, जान पहचान के अतबार से पिछड़ा हुआ है। तो हम लोगों में इसको मुतारफ़ करना चाहते हैं कि भाई सुल्तानपुर भी कोई एक ज़िला है, जैसे मजरू सुल्तानपुरी अगर सुल्तानपुरी अपने नाम के आगे ना लगाते तो सुल्तानपुर को आज कोई जानने वाला नहीं था। तो इस तरीके से कुछ ऐसा काम किया जाए कि सुल्तानपुर के लोग भी जाने पहचाने जाएँ बम्बई में, और उनकी वजह से लोगों के अंदर, चाहे वो दूसरे ज़िले के लोग हों, दूसरे सूबे के लोग हों, उनको भी फ़ायदा पहुँचे। यानी नदवी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बम्बई शहर में बहुत सारी तंजीमें हैं, सुल्तानपुर विकास संघ का भी आप लोगों ने यहाँ पर एक झंडा गाड़ दिया है, तो सुल्तानपुर के लोग ये समझे कि आप लोग यतीम नहीं हैं, आपके सर पर भी आबो अजदाद है, आपके सरपरस्त है। हाँ, जाहिर सी बात है कि जब आदमी को एहसास हो जाता है कि हमारे भी कुछ लोग हैं, जैसे हमने गोंडी में प्रोग्राम किया था 10वीं और 12वीं के बच्चों को इनामात देने का, तो उस वक्त कितने लोग ऐसे थे जो जानते ही नहीं थे कि अच्छा ये सुल्तानपुर के हैं, अच्छा ये सुल्तानपुर के हैं। मैंने दसियों साल कालम लिखा अखबार में, लेकिन आलम नदवी लगाता था तो सुल्तानपुरी नहीं लगाता था, लेकिन जब उनको ये पता चलता कि सुल्तानपुर के हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो उनसे मिलने के बाद पता चलता था। ये आना चाहिए ना आपको प्रोफेसर आलम नदवी सुल्तानपुरी साहब, नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से ज़रा मुश्किल। आपने देखे कि बहुत काबिल लोग यहाँ पर मुंबई में मौजूद हैं, यहाँ भी मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी सुल्तानपुर के लोग माशाल्लाह इल्मी मैदान में भी, तिजारत के मैदान में और दूसरे फनी मैदान में माशाल्लाह बहुत आगे हैं। आज हम मौजूद हैं अंजुमन इस्लाम कुरला बॉयज़ हाई स्कूल में, हम यहाँ के गर्ल्स स्टूडेंट से बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम रखा गया था हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसा करें। पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम? जी, मेरा नाम सैयद आयशा है। मेरा नाम खान जैनब निज़ामुद्दीन है। खान सुमैया रिजवानुल्ला। मेरा नाम सानिया अजमल रहमानी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आप ये प्रोग्राम में आके आपको क्या मतलब पैगाम मिला, क्या कैसा एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, किस तरह से हमको एग्ज़ाम में पहुँचना चाहिए या क्या? जैसा कि हम लोग यहाँ पे आइडियल के लिए आए थे, जैसे कि हम लोग हर संडे आते हैं, तो जब हमारा एक सेशन कंप्लीट हो गया
तो हमारे जो इकबाल सर उन्होंने ऐसा बोला कि ऊपर ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि आप इम्तिहान की तैयारी कैसे करें, तो हम और हमारे कुछ चंद दोस्त उन्होंने दिलचस्पी ली और हम यहाँ पे आए। तो जैसा कि जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आ गए, अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो हम बहुत कुछ सीखने से परे हो जाते। तो यहाँ पे बहुत कुछ, जैसे कि मुझे ऐसा मेरा पर्सनल है कि जब एक महीना ही बाकी है तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने लगी थी कि जैसे कि एक महीना है, जब हम इतने महीने में कुछ नहीं कर पाए तो एक महीने में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे कि सर ने मैम ने जो भी हमें मोटिवेट किया उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे एक उम्मीद मिली है कि अगर हम पहले कुछ नहीं कर सके लेकिन अब एक महीना बाकी, एक महीने में हम बहुत कुछ कर सकते और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। हम देखना चाहेंगे कि जो इन्होंने कहा कि हमारे जो लेक्चरर आए वो हमें बहुत तरह से, मैं आपसे हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम आए थे आइडियल के लिए लेकिन इकबाल सर ने बोले कि ऊपर प्रोग्राम है, हम इधर आए। हमें बहुत से डर थे कि कैसे हम लोग पास होंगे, लेकिन मैथ्स में तो ज़्यादा ही डर थे, मैथ्स के बारे में भी बताए और हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा और हमारी जो टेंशन थी वो दूर हो गई। एक्चुअली मैं यहाँ पर आई थी आइडियल 50 के लिए, बट हम लोग के इकबाल सर ने हम लोग को बताया कि मतलब आप लोग यहाँ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए हम लोग आइडियल के हम लोग तो बोले कि साइंस का लेक्चर तो होता रहेगा लेकिन ये लेक्चर पहली बार है तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगा। हम यहाँ आए थे दूसरे लेक्चर के लिए, हम यहाँ पर आए थे दूसरे लेक्चर के लिए, मगर जब देखे कि यहाँ पर इम्तहान के बारे में SSC बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं तो हमने बोले कि चलो ऊपर चलते हैं। सारे दोस्त लोग नहीं आए मगर हम लोग सोचे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोग दिमाग लगा के देखे और इसको देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हाँ हमारे लिए SSC बोर्ड एग्ज़ाम सही है। सब कहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए मगर होना चाहिए क्योंकि हम जो सारे साल पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई से हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना आता है कि नहीं आता है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए बच्चों के लिए ताकि बच्चों को पता चले और आसानी हो उनको पेपर में। तो हम देख सकते हैं कि हमारे इन बच्चियों ने बताया हमें कि किस तरह ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ और इन लोगों को जो प्रॉब्लम थी वो इनकी प्रॉब्लम दूर हो गई। मैं कैमरा मैन शाहिन पटेल के साथ खान अलकमा, थैंक यू, आमना सामना मीडिया न्यूज़ नेटवर्क।